सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैंने बनाई है गेहूं के आटे की बर्फी। बर्फी तो आटे की है लेकिन स्वाद इसमें खोए का आएगा। आपको खाकर देखिए, आप बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है। आटा पूरी तरह से भुना हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा आटा नहीं रखा मैंने। पूरी तरह से आटा भून कर बनाई है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फी बनी है, क्योंकि गेहूं का आटा भी हेल्दी है और इसमें खोआ डाला है थोड़ा सा मैंने। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जो अब तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि तो हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे बनाई है और क्या क्या सामान लिया मैंने इसके लिए। सबसे पहले मैंने लिया है दूध। 1 कप दूध मैं इसे डालूंगी पैन में और मैं इसे गर्म करूंगी। सबसे पहले दूध को उबाल आ जाए अच्छे से, इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। ये थोड़ा सा, हाफ कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। ये ना दोस्तों खोया बनाने का आसान तरीका है, जल्दी से खोया बन जाता है इसे और टेस्ट बढ़ जाता है बर्फ़ी का। थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ा सा बस, कुछ कॉस्टली नहीं है कुछ ज़्यादा। और इसे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसमें थोड़ा सा डाल दूँ, मैं इसे डाल दूँगी चीनी। इससे ये कंडेंस्ड मिल्क की शेप ले लेगा। कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, ऐसा ही बन जाएगा ये। और हम चीनी बर्फ़ी में अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है आज। थोड़ा सा डाल दूँगी देसी घी मैं इसमें। देसी घी अब ना मत भी डालना, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने देंगे और दूसरी तरफ कर देंगे इसे, हम दूसरी साइड रख देंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे फिर बाकी का बर्फ़ी का प्रोसेस तैयार करेंगे। ये देखो अच्छे से उबाल आ गया है इसे। दूसरी तरफ रख के इसे मैं गाढ़ा होने दूंगी, ये भी पकता रहेगा साथ में, और साथ साथ में बर्फ़ी भी बना आटा अपना भूनने लग जाऊंगी। इसमें रख दिया दूसरी तरफ। अब मैं ये पैन में डाला है घी मैंने थोड़ा सा, ज़रूरत होगी अब और डाल दूँगी थोड़ा सा। 1 कप मैंने डाला है गेहूं का आटा और अब मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। घी थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देसी घी डाल सकते हैं, डालडा कुछ भी, मैंने देसी डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, डालडा नहीं बना सकते हैं। गला आज मेरा कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए मैं आवाज़ नहीं बना रही थी वीडियो। थोड़ा सा घी मैं और डाल दूँगी और इसे हिला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें आटा हमने अच्छे से भूनना है, आटा ऐसे नहीं कि वाइट वाइट रह जाए, कच्चा आटा नहीं होना चाहिए। वो देखने में तो बर्फी बर्फी लगेगी लेकिन उसमें आटा जो कच्चा होगा ना वो गले में आपके आएगा और खाने में थोड़ी हेल्दी नहीं होता है वो, इसीलिए आटे को मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा घी और डाल लूँगी। देखो आटा मेरा भुन गया अच्छे से, पूरी तरह से लाल हो गया है। और जो मैंने दूध रखा है दूसरी तरफ, उसमें चीनी उसी में डाली हुई है और उसमें मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अब थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ में हिलाती रहूंगी ताकि जो गांठे ना पड़े इसमें। साथ साथ हिलाकर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी सारा। इसे मैं देखो सारा पूरी अच्छे से भून लूंगी और मैं भून के सारा मैंने मिक्स कर दिया। और ये जो रहा वो भी मैं मिक्स कर दूंगी इसमें सारे का सारा अच्छे से। और इसे अच्छे से ज़रा गाढ़ा करके मिक्स कर लूंगी इसमें।
दूसरी तरफ मैंने ट्रे में एक बटर पेपर लगा के रखा है, उसमें इसे मैं डालने के लिए, और थोड़े से मैंने बादाम भी काट के रखे हैं, वो भी मैं इस पर लगाऊंगी। ये देखो जी हो रहा है तैयार, पूरी तरह से हो गया। अब मैंने बटर पेपर अच्छे से लगा लिया इसमें, इसमें बर्फी को डाल के जमने की लिए रख दूंगी। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़े से बादाम, मैंने लंबे लंबे काट के बादाम रखे हैं। आप कुछ भी काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, बटर पेपर भी लगा सकते हैं आप, दूसरा जो पेपर होता है ना चांदी का वर्क वो भी लगा लो चाहे। मैंने बादाम ही काट के रख डाले हैं इस पर, इसे मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी ऊपर ताकि चिपक जाए, और इसे मैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इससे पहले मैं इसमें कट लगा दूँगी थोड़े से, तो जो बाद में बर्फ़ी को काटने में हमें आसानी रहे, और जो अगर एक बार जम जाए ना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है फिर काटने में, इसीलिए मैं पहले ही काट कर रख दूँगी इसे। इसे कट लगा कर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, और बाद में आपको दिखाती हूँ कि कैसी बर्फ़ी बनी है ये। दूसरी तरफ भी लगा दूंगी मैं, पीस छोटे बड़े आप कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं आप पीस को। सभी मैंने काट कर निशान लगा दिया, अब मैं ऐसे रख दूंगी फ्रिज में, ऊपर से अच्छी तरह से दबा दूंगी ताकि जो जो बादाम लगाए मैंने वो अच्छी से साथ में चिपक जाए। ये देखो अब पक गई है, और मैं इसे निकाल लूँगी बाहर, फ्रिज में मैंने 1 घंटा रख दी थी ये, और अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल अच्छे से जम गई है बर्फ़ी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। आटा पूरी तरह से भुना हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा आटा नहीं है और ना ही जले, इतना ध्यान रखिए आटा ना ही जलना चाहिए और ना ही कच्चा रहना चाहिए, अच्छे से भुना हुआ पसंद है मेरे को। आपको जैसे ही पसंद है आप वैसा बनाएं। सारे पीस में अलग कर करके रख लूँगी प्लेट में एक में। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है बर्फ़ी। सारे पीस मैंने रख दिए, देखो कोई पीस छोटा बड़ा बन गया थोड़ा सा मेरे से, पर कोई बात नहीं, आप जैसे भी काट लीजिएगा। दिवाली का मौसम है, अब त्यौहार आ रहा है, आप घर में बर्फ़ी बनाइए और खाइए, बहुत ही कम सामान से बनी है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और बहुत अच्छे से बर्फ़ी बन गई है। हम लोग बना सकते हैं आराम से घर में, और बाज़ार की मत खाओ, खर्चा भी कम है और चीज़ भी हमारी प्योर बनती है और अच्छी बनती है। देसी घी में बनाई है हमने, देखो कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के हुई थी यार। अब आप भी ऐसी ज़रूर बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।